हेलो गाइस, यू आर वाचिंग रोशन एंड दीपिका यूट्यूब चैनल। सो गाइस, गुड इवनिंग। और अभी है शाम का वक्त और मैं गया था मार्केट और इसका ट्यूशन चल रहा था तो अभी खत्म हुआ। और यहाँ स्माइल कर रहे, क्या देख के स्माइल कर रहे पता नहीं। आप लोग का कमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये देख सकते हो। हाँ, तो कुछ कमेंट्स बहुत सारे आए हैं तो उसको शायद रिप्लाई कर रही है। तो इसका ट्यूशन चल रहा था, या मुझे भेजी थी मार्केट कुछ लाने के लिए। तो इसका डिमांड है आज की वो मक्का खाएगी। तो मेरा डिमांड है कि हम आज मकई खाएंगे। और आप मकई के साथ और क्या क्या लेके आए हो? कुछ नहीं, देखो सब्जी कुछ कुछ रहेगा। ये रहा झोला, ये वाला झोला दी थी, ये इतना अच्छा झोला दी है इसमें सब्जी सॉरी सॉरी, इग्नोर इट। ये क्या है प्रैक्टिस है पता नहीं। ओह वाओ, मकई आ गया है। हाँ, इसको लेके आया हूँ। और ये सब्जी आज का। सो गाइस, हम लोग के इधर है 40 रुपया किलो मकई, जिसको हम लोग बोलते हैं सादरी में जिनोर। अच्छा, लेकिन आप 5 ठो कैसे लाए हो? तो एक किलो लाया ना। ओ, 1 किलो में तो हम लोग तो एक ठो में के लिए झगड़ा हो जाएगा। जब ऐसे में मतलब 5 ठो है ना, तो हम लोग अगर 2 भी खाएंगे तो एक बच्चे का चूल्हा के लिए। तो हम लोग के तरफ तो वो हम लोग ये गांव, मैं एक्चुअली गांव का बहुत सारा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब गांव में थे तो इसको चूल्हा में वो काठी लकड़ी वाला उसका क्या बोलते हैं, अंगूर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। हाँ, हम लोग को नहीं आता है जो भी मतलब वो। हाँ, तो उसमें पका के खाते थे, तो यहाँ उसको मिस कर रहे हैं क्योंकि क्वार्टर में मिलता नहीं है। यहाँ तो बस हीटर। हाँ, हीटर में अभी हम लोग बनाएंगे। और आप लोग इधर कैसे बनाते हैं जरूर बताना। हम लोग तो आज हीटर में बनाने वाले हैं। और गांव का वो वाला अच्छा लगता है क्योंकि क्या वो अंगूर राख राख हाँ वो लगा हुआ रहता है, उसके साथ खाओगे तो ज्यादा टेस्टी लगता है। जहाँ को उड़िया रे कौन थी पाउसो, तुम्हें बेसी खाओ माउसो। तो ऐसे ये सब कहाँ से सीख जाते हो? ये मैं प्रैक्टिस किया था, इनर टैलेंट। नहीं नहीं, ये अभी प्रैक्टिस किया था इसका। तो ठीक है, अभी हम लोग पकाते हैं। और अभी आज का इवनिंग स्नैक्स यही होगा मकई, उसके साथ साथ सब्जी ही बनेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग अभी छुड़ा रहे हैं मकई और देख रहे हो कितना कैसे है। अच्छा है तो और हम लोग अभी जमीन में नीचे बैठ के कर रहे हैं और छोटा सा जगह में, क्योंकि हम लोग इधर जोरदार बारिश हो रहा है तो कपड़ा सब धोए थे, देख सकते हो इधर सुखाने हैं। तो लोग अपना हम लोग का जगह ले लिए हैं तो हम लोग को इधर बैठना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी आ गए हैं किचन में, तो इसको मैं प्यार से बूढ़ी बुलाती हूँ। सॉरी गाइस, तो इसको मैं प्यार से बूढ़ी बुलाता हूँ। कुछ नहीं बुलाता हूँ, ओके। कुछ नहीं है। हाँ, तो लेके आ गए हैं मकई। तो अभी इधर रेडी हो गया है हीटर जिसमें अभी हीट होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ तो हीटर है। और क्या बोलते हैं वो गैस में पकाने अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गैस का वो स्मेल आ जाता है, वो स्मेल अच्छा नहीं लगता है। तो अभी डाल दिए हैं, एक साइड पकेगा वो दूसरा साइड देखते हैं कितना देर लगता है ना। और हाँ, और एक बार बारिश भी आ रहा है तो मजा आएगा। हाँ हाँ, बाहर भी बारिश हो रहा है, अंधेरा हो गया बोल के दिख नहीं रहे, पता नहीं चल रहा है, लेकिन जोरदार बारिश हो रहा है, झाऊ झाऊ आ रहा है, क्या चल रहा है, पानी में आ रहा है। सो गए सीधर, हम लोग का धीरे धीरे अभी पक रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं। और मैं अभी अपना हाथ में ही इसको घुमा रहा हूँ, डेर एंड डेविल खेल रहा हूँ मैं। नहीं, क्योंकि हमारे पास चिमटा नहीं है। नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे कर दो, एक साइड पकेगा। हाँ, मैं घुमा घुमा के इसे पका रहा था। ठीक है, पकाओ और ले के आना। वाह, क्या डिमांड है भाई। तो अभी हम लोग को ऑलमोस्ट पकने ही वाला है, लेकिन मेरे को ये इधर तरफ का हाथ में पकड़ के करना पड़ रहा है, क्योंकि उधर का नहीं होता है ना। तो और हाँ, हम लोग तो इस तरीके से अपना जिनोर पका रहे हैं, मतलब मकई पका रहे हैं। आप लोग के तरफ आप लोग कैसे पकाते हैं आप लोग भी बताइएगा। हम लोग तो ऐसे पका रहे हैं और ये बस हो ही गया ऑलमोस्ट। अभी देखो पॉपकॉर्न बन जा रहा है यहाँ का, पॉपकॉर्न जो मूवी देखेंगे अभी बैठ के। ये इधर तरफ का नहीं पकता है ठीक से, तो इसको ऐसे घुमा घुमा के पलटा पलटा के पकाना पड़ रहा है, उल्टा पलटा के पूरा ना। हमारा आज का इवनिंग स्नैक्स सॉर्टेड।
भी बारिश के साथ बारिश का मजा लेते हुए। सो गाइस, मेरा बूढ़ी अभी उधर मकई पका रही है, स्वीट कॉर्न भी बोलते हैं उसको, पर वो इतना भी स्वीट नहीं है। वो बाद में ब्लॉग देखेगा तो पता चला कि, क्योंकि मैं उसको बहुत चिढ़ाता हूँ और बहुत मजा लेता हूँ मैं। हुआ क्या? तो देखो वो आ गई, ये रहा, तो आ गई। अभी हम लोग खाएंगे बैठ के, पर गरम लग रहा, धीप रहा। तो ये बोल रही है कि इसको धीप रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड लेके आती है दीपिका दीदी। क्या ये मेरा दीदी नहीं, आप लोग का, आप भी बोलते थे ऐसे भी, तो भाई बोलते है, भाई ब्रोकोड है हम लोग का, ब्रोकोड। सो ये रहा हमारा मकई, आपका ये वाला है हुआ? अच्छा नहीं सीझा है उसको मुझे दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये वाला थोड़ा ना मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो मुझे ये थोड़ा टाइट टाइट वाला अच्छा लगता है, बोल के हम ये वाला खाएंगे। ओके, तो गाइस हम लोग खाने शुरू कर दिए, और ऐसे कौन खाता है मुझे पक्का प्लीज बताइएगा। एक लाइन खा के, ऐसे एक लाइन खा के उसके बाद साइड साइड का, हम ऐसे खाते हैं। हम भी ऐसे खाते हैं। नहीं मैं अपना मुंह से खाता हूं। तो हम भी मुंह से ही खाते हैं। सो वैसे ऐसे ही कुछ हम लोग इवनिंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब हैप्पी मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और बुरा मोमेंट क्यों स्पेंड कर रहे हैं? वही तो, बुरा मोमेंट क्यों स्पेंड कर रहे हैं, मतलब हैप्पी मोमेंट्स ही ना स्पेंड करेंगे तो ना खुशी लगेगा। क्योंकि लाइफ तो एक ही मिला है, एक ही लाइफ। और लोग बोलते हैं कि सातों जन्म साथ रहेंगे, क्या पता सातों जन्म साथ रहे या ना, पर एक जन्म में तो साथ है, तो इसलिए ऐसे ऐसे एंजॉय करके जीते हैं। मार के तो गेम हो गया, ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं। अभी जैसे मैं इसको चाप रहा हूँ, तुमको चाप दूंगा। तो गैस कैसे लग रहा है आज का ब्लॉग? पता नहीं अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, पर हमें तो मकई अच्छा लग रहा है। और हम लोग को आज मूड किया ऐसे टाइम स्पेंड करने का, और ब्लॉग बनाने का भी मन किया, तो हम लोग बना दिए। क्योंकि हर एक ब्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं आता है, क्योंकि हर एक ब्लॉग खुशियाँ नहीं मिलता है ना। बोरिंग, बोरिंग, और कभी कभी ऐसे बोरिंग ब्लॉग भी आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि खुशियाँ का अहमियत क्या होता है ना। जब बोरिंग ब्लॉग आएगा तभी, मतलब हर ब्लॉग में तो ऐसे खुशियाँ नहीं भी मिलता है। पर हम लोग को मन किया। हाँ, और जितना हो सके एक दूसरे के साथ खुशी रहने का कोशिश करना है। मैं तो बहुत दुख में हूँ इसके साथ रह के। ठीक है, खाना खुद से बना के खाना, हम नहीं बनाते। ठीक है, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। हो गया ना, हो गया यही। ओके, हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि खाना खुद से बना के खाना, तो नहीं नहीं मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ ऐसे बोलते हैं। और ऐसे टाइम में इससे मैं इसको तेल लगाता हूँ और ये पूरा पिघल जाते हैं। पिघलने जाते हैं, हम ही खाना बना के खिलाएंगे, नहीं कोई बना के खिलाएगा तो। मेरा मेस भी है गाइस, और कहीं भी मेरा खाना बनता है। ठीक है, तो मुझे दे दो ना, पहले उसको तो खत्म कर दो, तो पहले ब्लॉग तो खत्म कर लो। हाँ, सॉरी गाइस, सॉरी, हम लोग डूब गए थे अपने बातों में। डूब जा मेरे प्यार में। नहीं नहीं, तो मैं आंखों के ओ सन में, स्लो मोशन में। सॉरी गाइस। ठीक है गाइस, आज का यहाँ का छोटा, आज का छोटा सा मोटा सा प्यारा सा ब्लॉग इवनिंग वाला, होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भी हम लोग के जैसे खुशी 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 रहिए, प्यार से रहिए, और लड़ाई झगड़ा हल्का हल्का कर सकते हैं, पर हम लोग भी होते हैं लड़ाई झगड़ा, इतना भी ज्यादा नहीं। इतना भी ज्यादा लड़ाई ना हो कि डिस्टेंस जितना, अभी हम लोग इतना पास में बैठे हैं वो दूर दूर जाए, मतलब बीच में कुछ ना दिखे, ऐसे ना हो ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ओके गाइस, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल मॉर्निंग को। बाय, जब भी ब्लॉग आएगा तब मिलते हैं। बाय बाय।